महर्षि जमदग्नि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम का जन्म हुआ। इस दिन परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र और ऋचि के आश्रम में हुई। बचपन से ही वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। उनके स्पर्श मात्र से कोई भी पशु उनके मित्र हो जाया करते थे। अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। ऋषि ऋचि से उन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त था। ब्रह्मषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णवी मंत्र प्राप्त हुआ था। परशुराम ने कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त की। दिव्यास्त्र विदुदभि नामक परशु प्राप्त किया था। शिवजी ने श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच स्तवराज स्तोत्र मंत्र प्राप्त किया। शिवजी से उन्होंने अन्य अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला की शिक्षा शिवजी से प्राप्त की थी। विजय नाम का धनुष भी शिव से ही प्राप्त हुआ था। चक्र तीरथ में किए तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्प पर्यंत तपस्यारत भूलोक में होने का वर दिया। इनको रामभद्र, भार्गव, भरिगपति, जमदग्न्य के नामों से भी जाना जाता है। भगवान परशुनाथ ने अपने तीर से समुद्र को सोख कर कोकण, गोवा और केरल क्षेत्र बसाया। हे वंश में कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की। 1000 भुजाओं के कारण ही उसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। उसे अपने वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। उसे कई सिद्धियां भी प्राप्त थी। लंकाधिपति रावण को भी उसने बंदी बना लिया था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उसी गाय के गोरस के भंडार से ही ऋषि जमदग्नि ने सबको अच्छी तरह से अवभगत किया। सहस्त्रबाहु ने जब ये सब देखा तो कामधेनु गाय उनको पसंद आ गई। वे बलपूर्वक गाय को आश्रम से ले गए। परशुराम को जब ये बात पता चली तो अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु से कामधेनु वापस लेने गए। राजा सहस्त्रबाहु और परशुराम ने युद्ध किया और परशुराम ने उसे मार डाला। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप, जब परशुराम अनुपस्थित थे, उनके पिता जमदग्नि को मार डाला था। इस घटना से गुरु परशुराम अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि हे वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा।